Tuna, John Curry. दोस्तों, बाज को एक बेहतरीन माहिर और एक सटीक शिकारी के रूप में जाना जाता है और इसकी पूरी दुनिया में लगभग 40 से 60 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सभी के सभी टॉप लेवल के शिकारी हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इनकी शिकार करने की क्षमता के पीछे इनकी आंखों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और वैज्ञानिकों को तो ये शक हमेशा से ही था कि इनकी आंखों में कुछ ऐसी खास बात जरूर होती है, जिससे ये सूरज की तेज रोशनी में भी अपने किसी भी शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं, फिर चाहे उनका शिकार जमीन पर दौड़ने वाला हो या फिर हवा में उड़ने वाला। हाल ही में हुई एक नई रिसर्च में ये राज भी उजागर हो ही गया। इस नई रिसर्च के मुताबिक पेरिग्रीन फॉल्कन के आंखों के नीचे एक खास तरह की डार्क स्ट्रिप्स यानी काली धारियां प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें मेलार स्ट्राइप या फिर मूंछ भी कहा जाता है। ये उनकी आंखों में पड़ने वाली सूर्य की चमक यानी सनलाइट की जो ब्राइटनेस होती है उसको कम कर देती है, और इससे उन्हें अपने शिकार का पीछा करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और इस रिसर्च में ये भी पता चला है कि जिन क्षेत्रों या फिर देशों में सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज या फिर तीखी पड़ती है, वहाँ के फैल्कन में ये मेलार स्ट्राइप ज्यादा बड़ी यानी ज्यादा चौड़ी और डार्क देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को करने के लिए पेरिग्रीन फैल्कन की 2000 से भी ज्यादा तस्वीरों का यूज किया, जो 94 से अधिक देशों और क्षेत्रों से ली गई थी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक पेरिग्रीन फैल्कन मैक्सिमम 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक शक्तिशाली उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारियों के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लाते रहता हूं।